अपन जब मोबाइल में फोटोज वगैरह लेते हैं, अपन अपने कुछ तो फोटोज वगैरह ना ड्राइव में डाल देते हैं। ऐसे अगर आपकी जीमेल ड्राइव में कोई डेटा है तो आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी आपके ड्राइव में होगा वो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए यार, अब जो भी आपको इसमें से लेना है, माई ड्राइव में से लेना है तो आप इस पर क्लिक कर देना ही, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको इसमें से लेना है आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने किसी को शेयर किया, मतलब अपने आपको शेयर किया, पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इसमें ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बताता है फोटोज। अगर आपने यहाँ पे फोटोज में कुछ फोटोज इसमें रखे हुए, देखिए इसमें तो कोई डेटा नहीं है फोटोज वगैरह में, अपन डाल देते हैं अपने जीमेल के फोटोज, अपन मतलब आपके मोबाइल की जो भी फोटोज हैं आप जीमेल वगैरह पे डाल देते हैं, तब आप यहाँ से उसे ले सकते हैं। और इसमें ही आपके फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहता है बाय वाले, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो भी यूआरएल, मतलब कि तो ये आप लोगों ने लिंक वगैरह देखी होगी, जब अपन कोई भी पिक्चर वगैरह रहते हैं उसकी तो लिंक वगैरह रहती है। अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना और इंसर्ट कर देना। और कैमरा पे जाएंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप से, अभी इसमें कोई कैमरा कनेक्ट नहीं है, कैमरा होगा तो आप उसे वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी ला सकते हैं। अब ये ऑप्शन तो होगा इतने, बाकी ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन है जो आप लोगों ने सब इसमें पढ़े हुए। अब इसका भी हमने आपको मैन यूज बताया था, आप इसे एक से ज्यादा परसेंट से आप शेयर कर सकते हैं। अब अभी अपन देखते हैं, पहले अपन इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, अपन इसको सेव नहीं किया। आप अगर इसे कुछ नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा रहा यूनाइटेड डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे अपन इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, हम आपकी क्लास के नाम से सेव कर दे रहे हैं, जैसे साढ़े तीन, अपन इसे यहाँ पे नाम दे दिए। अब आपने क्या किया, इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया, अपन ने सेव नहीं किया, सिर्फ उसे नाम दिया। अब आप नाइन डॉट पे जाएंगे, यहाँ से आप डॉक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सॉरी इस पहले गलत लिखा था, जिसे सही कर देता है, यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, आप रीनेम पे क्लिक करना, यहीं से ये रीनेम हो जाएगा, यहीं से आप इसे रीनेम कर सकते हैं। इस थ्री डॉट पे क्लिक करना, रीनेम का ऑप्शन आ रहा, यहीं से ये रीनेम हो जाए। अब देखिए आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस नाम से सेव किया है, आपने इसे लास्ट टाइम कब ओपन किया था, बता रहा ये वाली फाइल लास्ट टाइम कब ओपन हुई थी, 5 मार्च को, ये वाली 14 फरवरी को, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कौन सी फाइल आपने लास्ट टाइम कब यहाँ पे ओपन की थी, आपको शो करवा देगा। अब देखिए आपने इसको सेव नहीं किया था तब भी आपका पूरा डेटा यहाँ पे सेव हो गया। अब आप इसे इससे ज्यादा परसेंट साथ शेयर करना चाहते हैं, तब आप शेयर पे क्लिक करना, तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल देना किस किस के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, अभी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो जीमेल आईडी आ रही है जिनका पहले इसमें यूज हो चुका है, मतलब इस आईडी से पहले उनको कुछ मेल किया जा चुका है। अब जैसे अपन यहाँ पे आईडी डाल देते, जैसे हमने यहाँ पे आईडी डाल दी, अभी अगर आप स्टार्टिंग के दो वर्ड डालेंगे और उस आईडी का आप पहले यूज कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये जैसे एक आईडी हमने ये ली थी, आप में किसी की बता दीजिए आईडी बनी आईसीआईसी के नाम से, किस चीज की बनी आपकी, बनी बोल बोली, किसी को भी याद नहीं, पहले दूसरे डाल देते हैं, अपन ने यहाँ पे ये दो आईडी इसमें सिलेक्ट कर ली। अब आप देखना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिटर, अगर आप चाहते हैं आप अपना ये डेटा जिस भी पर्सन साथ शेयर कर रहे हैं, अपन एस से ज्यादा पर्सन साथ शेयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो पर्सन से भी डेटा को देख पाए, उसमें कोई भी एडिटिंग न कर पाए, तब आप उसे व्यूअर बना देंगे, तब वो इसमें सब कुछ देख सकते हैं लेकिन कोई भी एडिंग नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें कमेंटे बनाते हैं तब वो सिर्फ इस पर कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी एडिंग नहीं कर पाएंगे। एडिटर बनाएंगे तो जैसे आप इस पर वर्क कर पा रहे हैं पूरा वर्क वो सामने वाला पर्सन भी कर सकता है, क्योंकि अपन ने उसको एडिटर बना दिया। अब कितनी आईडी शेयर की है अपन ने यहाँ पे, दो, एक निशा के नाम से एक भारती के नाम से, हमने दो लोगों को शेयर किया। अगर अभी आप यहाँ से व्यूअर बनाएंगे दोनों व्यूअर हो जाएंगे, अगर अभी आप यहाँ से एडिटर बनाएंगे तो दोनों एडिटर हो जाएंगे।
लेकिन हम चाहते हैं एक तो हमें व्यूवर बनाना है, एक तो एडिटर बनाना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों के लिए अप्लाई करेंगे दोनों का हो जाएगा। अपन ने दोनों को एडिटर बना दिया, देन हमने सेंड पे क्लिक कर दिया। लेकिन हम क्या चाहते थे, एक तो व्यूअर बनाना चाहते थे, एक तो एडिटर। अपन वापस शेयर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। जैसे हम चाहते हैं इनको से व्यूअर बनाना है, अपन यहाँ से व्यूअर पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन चेंज हो गया। पहले अपन इसको यहाँ पे डिस्टार्ट करते हैं, देखिए अभी ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे डन का। जैसे ही हम इसे चेंज करते हैं, व्यूअर पे क्लिक किया, अब ऑप्शन क्या आ रहा है सेव। अगर बिना सेव किए हम यहाँ खाली जगह पे क्लिक करते हैं तब क्या दे रहा है, डिस्चार्ज अनसेव चेंजेस, मतलब आप क्या इसमें चेंजेस नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते कैंसिल करना चाहते क्लिक कर देते हैं, अपन कैंसिल कर देते हैं। अब अपन सेव पे क्लिक कर देते हैं, देखिए उसमें चेंजेस हो जाएंगे। अब आप देखिए निशा सोने से व्यूअर, भारती सोने एडिटर, बता रहा आप बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको डिलीट कर दिया, इस पिक्चर को सिलेक्ट किया डिलीट कर दिया, डेटा डिलीट हुआ। आप इसे बाद में रिस्टोर करना चाहते हैं, मतलब आप इस डेटा को वापस लाना चाहते हैं, तब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है लास्ट एडिट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बताएंगे, बता रहा अब ये दो बार क्या बता रहा है। ये फाइल हमने दो बार ओपन की, एक बार अपन ने 6:09 पे इसको ओपन किया था बनाने के लिए, फिर 6:23 पे इसको फिर से ओपन किया। अब 6:23 पे करंट फाइल कौन सी है, ये जो अभी करंट वर्जन है, 6:09 पे ये कैसा था, स्लो चल रहा है, 6:09 पे ये कैसा था जिसमें अपना पूरा डेटा था, और इस टाइम पे क्या अपनी एक इमेज नहीं है, और एक बार अपन ने जो यहाँ पे ICIC कंप्यूटर सेंटर लिखा था वो हटा दिया। अगर आप वापस लाना चाहते और आप देखें ना नीचे हमारा नाम लिखा हुआ आ रहा, क्योंकि अभी तक इस वाली फाइल पे सिर्फ हमें वर्क कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। अगर कोई और पर्सन करेगा तो उनकी ID भी यहाँ पे आने लगेगी। अपन इस पे क्लिक करते हैं, हमने रीस्टोर दिस वर्जन पे क्लिक कर दिया और रीस्टोर पे क्लिक कर दिया। देखिए उस टाइम पे इसमें कोई एडिंग नहीं थी, 6:09 पे इसमें कोई एडिंग नहीं थी, इसमें वापस नहीं आया। अपन वापस इस पे क्लिक करते हैं, अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक किया, रीस्टोर दिस सेशन पे क्लिक किया, रीस्टोर पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सिर्फ कौन सा डेटा आपका वापस आ रहा है, जो आपने पहले ओपन किया था जब कुछ भी नहीं था, बाद में ओपन किया उसमें अपन ने ये एडिंग की थी, सिर्फ यही आ रहा। इसके बीच में जो डिलीट किया वो नहीं आ रहा, क्योंकि डिलीट करने के बाद आपने इसको क्लोज नहीं किया था, वहीं से वहीं एडिंग चल रही थी, और अपन ने हमारी ID से किया था इसको डिलीट। अगर आप उसी टाइम Ctrl+Z कर देते तो वो वापस आ जाता, आपको रिस्टोर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आप इसमें Ctrl+Z करेंगे वो भी अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपन ने इसको रिस्टोर कर दिया। अब रिस्टोर करने के बाद इसमें Ctrl+Z अप्लाई नहीं होगा, देखिए इसको डिलीट किया Ctrl+Z कर दिया अप्लाई हो गया, लेकिन रिस्टोर कर देंगे तो नहीं। क्लियर, अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए, आइए तो नेक्स्ट क्लास में बता दें। चलेंगे।